प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो मुरली वाला आए। तो ये है भांडी रमन जी का मंदिर, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, आई होप कैसे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मथुरा साइड, और वहाँ का जितना भी व्यू है वो आपको दिखाएंगे, और जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी पीते हैं मटके का पानी, क्योंकि मटके का पानी पीना जरूरी है। तो आगे ये गर्मा गर्म चाय, और अभी फैन गर्म हो रहे हैं, तो फैन भी आ चुके हैं बढ़िया से। तो अभी फिलहाल निकल आए मथुरा के लिए, और अभी करीब 15 किलोमीटर का सफ़र कर लिया पार, और अभी किसी गांव साइड है मई, और काफ़ी हरी हरा भरा है यहाँ पर। तो अभी आ चुके हैं मथुरा के बलदेव में, उसके बाद जाना है राया, राया से कुमार। तो अभी फिलहाल जो काम था वो हो चुका है, और थोड़ा बहुत टाइम है, सोचा मथुरा आए हैं तो थोड़ा मंदिर भी घूम लें। तो मंदिर में अभी कहीं देख रहे हैं आसपास में कोई मंदिर हो कृष्ण जी का, राधा रानी का, या देखते हैं प्रेम मंदिर भी जा सकते हैं, और वहाँ घूमेंगे। जो ये मिला है वंशी बाटा भांडी वृवन, तो यहाँ पर जाते हैं। तो ये आ गए हैं मथुरा की गलियों में, और अभी जा रहे हैं भांडी वृवन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। तो सामने अभी आ गए हैं भांडी वृवन, जो मेन एंट्री है यहाँ से। तो अभी आ गए हैं भांडी वृवन, और अभी करते हैं राधा रानी जी के दर्शन। भांडी रमन जी का मंदिर, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब है। अभी और भी यहाँ पर घूमते हैं। तो यह है त्रिवेणी कूप, बाबा मैं तेरे दर पे आ गया खाटू, राधा कृष्ण विवाह मंडप। जय हो राधा रानी। ये वृक्ष देखिए, जैसे मधुबन में वृक्ष है वैसे ही, कितना अच्छा है, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, वही पिता का काम और पंडित दोनों बने। अच्छा, तो अभी आ चुके हैं बंसीवट, और अभी जाएंगे अंदर और वो दिखाएंगे आपको। तो अभी यहाँ पर हो रही है भागवत कृष्ण के धाम में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है, नज़ारा भी देखिए कितना अच्छा है। जय श्री राधे। तो अभी पिया गन्ने का जूस, और प्यास लग रही थी तो मज़ा आ गया। तो काफी अच्छा लग रहा है, और अच्छी वाइब है, और ये कुंडा वाले रास्ते को टक टक ही लगा के देखते हमारा कन्हैया, उसके साथ में भोजन पाएंगे। यार कुछ भी हो, लेकिन जो मथुरा की जो रोडे हैं और जो इधर की वाइब है अलग ही है, बहुत ही प्यारी वाइब है। अभी आ गए हैं राधा रानी, यहाँ से 2 किलोमीटर राधा रानी का मंदिर, और जाएंगे अभी। आ गए हैं राधा रानी मंदिर। तो अभी आ चुके हैं राधा रानी मंदिर अंदर, और भी प्रसाद लेना है, और जूते भी उतार दिए, तो बस चलते हैं आगे की। तो अभी यहाँ से लेना प्रसाद है, 51
लौट के देखे तो प्रसाद ले लिया अभी। तो अभी हमारे पीछे है राधा रानी मानसरोवर। तो अभी हम हैं राधा रानी मंदिर जो मानसरोवर है यहाँ पर, दिघे सरोवर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और आप भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, मथुरा में काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी मछली है, देखिए यहाँ पर वो घोंगे। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई यहाँ पर। तो फिलहाल में अभी हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो हो चुकी है डाउन, तो इस ब्लॉग को फिर करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे अंग्रेजी ब्लॉग के लिए, बाय बाय।